स्वागत है दोस्तों, फिर से सबका मेरे चैनल में। मैं हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में तो देख ही लिया होगा, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना एक्ट फाइबर नेट में जो आईडी है उसमें कैसे अपना मोबाइल नंबर चेंज करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, हम आगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद देखिए, आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक्ट फाइबर नेट टाइप करना है। एक्ट फाइबर नेट टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको इसे ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, जो भी एक्ट फाइबर नेट से आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जिस भी मोबाइल नंबर से आपका आईडी रजिस्टर है या आईडी आप लॉगिन करते हैं चलाते हैं, आपको वो डाल देना है। अगर मान लीजिए आपके पास लॉगिन आईडी है तो आप देखिए यहाँ पे लॉगिन यूजिंग यूजर आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल जो एक्ट फाइबर नेट का आईडी रहता है वो बहुत लंबा रहता है तो मुझे याद नहीं है, मैं मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, रजिस्टर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली जो भी मोबाइल नंबर से आपका आईडी रजिस्टर रहेगा वो ऑलरेडी यहाँ पे फेच कर लेगा सर्वर के जरिए, एक्ट फाइबर नेट का सर्वर, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आईडी देख पा रहे हैं, नीचे मेरा मोबाइल नंबर है, बस आपको सिंपली यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी क्या होगा आपको डालना है। डालने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऐसे रुक जाना है तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल्स दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर भी एडिट कर सकते हैं, रजिस्टर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी है उसे भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखा सकता है। तो मैं आपको लॉगिन करने के बाद दिखाता हूँ कि कैसे आपको किस ऑप्शन में जाके अपना ईमेल आईडी चेंज करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ इस एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंटरफेस मुझे दिखा रहा है ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे देखिए आपको देखिए यहाँ पे होम का है, उसके साइड में सोशल का है, यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए जब आप लॉगिन होंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो साइड में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मेरा होम पेज है, इसके साइड में देखिए आपको अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको अकाउंट से ऑप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट से ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मोबाइल नंबर के साइड में आपको एक पेंसिल का आइकॉन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी मोबाइल नंबर है अपडेट करना चाहते हैं, जो रीसेंट मोबाइल नंबर है जो चल रहा है वो आपको दिखाएगा यहाँ पे, और जो अपडेट करना चाहते हैं आपको पूरा कैंसिल करके तो आपको न्यू मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं डाल रहा हूँ। तो इसको डालने के बाद जस्ट आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आप जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डालेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, न्यू मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं, वो आराम से ईजिली कर सकते हैं। फिर आप अपने न्यू मोबाइल नंबर से ईजिली लॉगिन हो सकते हैं कहीं पर भी, जो एक्ट का फाइबर नेट का साइट से या ऐप में या डायरेक्ट उनके वेब पोर्टल में कहीं पर भी लॉगिन हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर भी ना उसमें जाके मेरे से सवाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का दबाना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए फ्रेश टॉपिक के साथ।